Hello students, welcome you to my digital class. Today I am going to explain the questions and the answers of the very first chapter of Beehive class 9th. The name of the chapter is The Fun They Had. Now the first question, how old are Margie and Tommy? टॉमी एंड मार्गी का एज कितना था? मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड. मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था. व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी अपने डायरी में क्या लिखे थे, मीन्स जो स्टोरी जब स्टार्टिंग हुआ है उसमें पहले लिखा गया है, जो मार्गी एक डायरी लिखा है उसमें क्या लिखा था डायरी में. मार्गी डेटेड हर डायरी एज 17 मई 2157 एंड रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मार्गी क्या था ना, अपने डायरी में हेडलाइन क्या दिए थे ना, आज टॉमी ने एक सच्चे बुक पाए थे. और उसके साथ साथ उसमें डेट कब का दिए थे, 17 मई 2157. हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? मार्गी क्या इससे पहले कोई बुक किताब देखे थे? मार्गी हैड नेवर सीन अ रियल बुक बिफोर. मार्गी इससे पहले कभी सच बुक मीन्स प्रिंटेड बुक कभी नहीं देखे थे. ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ आप लोगों को, दे मीन्स मार्गी एंड टॉमी बोथ आर एक्वेंटेड विथ टेलीबुक्स. टेलीबुक के साथ उन लोगों को ज़्यादा जानकारी था. व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज? बुक का कौन सा चीज उनको थोड़ा सा अनोखा लगा था? सी नोटिस्ड द पेजेस ऑफ द बुक वेयर येलो एंड क्रिंकली. उन्होंने क्या देखे थे, जो पेज बुक का जो पेज था वो येलो हो चुके थे और क्रिंकली मीन्स थोड़ा सा सिकुड़ गया था. मीन्स हम लोग जानते हैं जब पुराना हो जाते हैं तब थोड़ा सा रिंकल उसमें आ जाता है, तो ऐसे ही सिकुड़ गया था. द वर्ड्स वेयर सैनिटरी एंड पेजेस कुड बी टर्न्ड फिजिकली. जो शब्द था वो क्या था, स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स स्थिर था, मतलब चलने मूव नहीं कर रहा था, एक ही जगह में था. एंड पेजेस कुड बी टर्न्ड फिजिकली, पेज जो था फिजिकली पलट सकते थे. ऑल्सो When one read it the second time, everything was the same as earlier. जब कोई दूसरी बार भी पढ़ने जाए तो वो भी से क्या था, पहले जैसे थे, पहले जैसे पढ़े थे, सेम सेकेंड टाइम भी सेम चीज रहते हैं उसके बाद. The book once read could be thrown away. जब the book once read could be thrown away, मतलब एक बार पढ़ने के बाद उसको क्या था, फेंक भी सकते थे. मतलब क्या था, I have already told. Both of them were acquainted with telebooks. Telebooks में क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं ना कंप्यूटर में क्या होता है, जो मूविंग वर्ड्स है, मूविंग लेटर रहते हैं, जो शब्द क्या था धीरे धीरे आगे पीछे होता है. तो उसमें क्या था, बुक में क्या था, प्रिंटेड बुक हम लोग जानते हैं प्रिंटेड बुक क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं जो शब्द है या लेटर जो है वो जैसे लिखा है वैसे एक ही जगह में रहते हैं. तो इसलिए इसी यही चीज़ उनको थोड़ा सा अनोखा लगा था. और क्या देख रहा था, जब पलट जितना बार भी पेज पलटे सेम चीज की था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? टेलीबुक जो था वो आपको क्या लगता है, वो क्या था? ए टेलीबुक इज अ वर्चुअल बुक दैट कैन बी रीड ऑन ए स्क्रीन. टेलीबुक क्या है, एक वर्चुअल बुक है जो क्या था ना, स्क्रीन में हम लोग पढ़ सकते हैं. मिलियंस ऑफ बुक्स कैन बी इंस्टॉल्ड एंड नॉन नीड्स टू बी थ्रोन अवे. क्या था, टेलीबुक जो है वो एक कंप्यूटर में हम लोग मिलियंस ऑफ टेलीबुक्स रख सकते हैं और बुक फेंकने का जरूरत नहीं, वो उनके अंदर ही क्या रहता है, इंस्टॉल रहते हैं. द वर्ड्स ऑन द स्क्रीन कीप मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू. मतलब जो शब्द जो है उस स्क्रीन में क्या होता है, मूव करता है. जैसे उनको जिस स्टाइल में उसको बनाया गया उस स्टाइल में क्या होता है, वो शब्द क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर मूव करते रहते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Where was Margie's school? Did she have any classmates? Margie's school was actually a computer screen, which was in a room next to her bedroom. Margie's school question kya tha? Where was Margie's school? Margie's school kahan tha? Did she have any classmates? Unke koi classmate the? The answer kya hai? Margie's school jo tha, wo actually kya tha? Computer the. और कंप्यूटर स्क्रीन थे. और विच वॉज वो जो कंप्यूटर स्क्रीन था, वो ये कंप्यूटर थे, कहाँ था? उसका स्कूल कहाँ था? नेक्स्ट टू हर बेडरूम. बेडरूम का बगल में ही थे. सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स. उनका कोई क्लासमेट नहीं थे. मैंने पहले ही बोल चुका हूँ जब एक्सप्लेन करता था ये स्टोरी, जो उन समय मतलब 22nd सेंचुरी में कोई स्कूल हाउस, जैसे हम लोग स्कूल में आते हैं रोज सुबह, फिर पढ़ाई करने के बाद फिर जाते हैं घर, ऐसे स्कूल हाउस नहीं थे. वो लोग क्या थे ना, अपने घर में एक जो कमरा था उसी के अंदर एक कंप्यूटर रखते थे. और कंप्यूटर के द्वारा क्या होता ना, वो लोग जो भी मटेरियल है वो पढ़ते थे, और जो भी असाइनमेंट थे उसके उसके अंदर ही उन्होंने जमा करते थे. व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न. क्या क्या सब्जेक्ट टॉमी एंड मार्गी लर्न करते थे, पढ़ते थे. मार्गी, टॉमी and all the children learned history, geography and maths as their subjects. 22nd सेंचुरी जो था उसमें क्या था, टॉमी मर्गी उसके साथ और भी बच्चे क्या पढ़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, ये सब पढ़ते थे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 30 words, अबाउट 30 words में आपको आंसर देना है. आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ, मीन्स 30 words के अंदर आपको ये आंसर देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव. टॉमी एंड मार्गी का किस टाइप का टीचर थे. मार्गी एंड टॉमी वेयर टॉट बाय अ मैकेनिकल टीचर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. क्या था टॉमी एंड मार्गी का, मार्गी दोनों क्या थे, किसके द्वारा मतलब उनको उन लोगों को कौन पढ़ाते थे, मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर स्क्रीन मतलब कंप्यूटर उन लोगों को पढ़ाते थे. ऑल द लेसन्स वेयर फ्लैश्ड ऑन स्क्रीन एंड दे हैड टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वेयर आस्क्ड. क्या था जो भी लेसन्स था वो क्या था, क्या था ना, कंप्यूटर जो है स्क्रीन में वो फ्लैश कर, जब भी उन लोगों ने कंप्यूटर के सामने उस दिन का पढ़ाई लेके बैठते थे, तुरंत क्लिक करने के बाद उन दिन का क्या काम है वो क्या होता है, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसमें आ जाता था. और क्या था ना, आंसर भी उन लोगों को देना पड़ता था जो क्वेश्चन उन लोगों को पूछ जाता था. ए स्लॉट वॉज प्रोवाइडेड इन द मशीन टू इंसर्ट ऑल देयर होमवर्क्स एंड टेस्ट पेपर्स. जो भी टेस्ट पेपर्स या होमवर्क जो भी था, एक स्लॉट था, पर्टिकुलर स्लॉट था जहाँ पे वो सब चीज़ों को क्या करते हैं ना, जमा किया जाता है और बाद में कंप्यूटर उनको क्या करते हैं, उनका एसेस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंट फॉर द कैंटीन इंस्पेक्टर. मार्गी का जो मम्मी थे कि वो कैंटीन इंस्पेक्टर क्यों बुलाए थे. कैंटीन इंस्पेक्टर मतलब कौन थे, जो कंप्यूटर को रिपेयर कर सकते थे, उनको कैंटीन इंस्पेक्टर कहते हैं. कैंटीन इंस्पेक्टर क्यों बुलाए थे ना, मार्गीज मदर सेंट फॉर द कैंटीन इंस्पेक्टर एज मार्गीज परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी टेस्ट वॉज डिटोरियरेटिंग. क्या था ना, क्यों बुलाए थे कंटीन इंस्पेक्टर को ना, मार्गी का ज्योग्राफी सेक्टर में जो प्रोग्रेस था, परफॉर्मेंस था, वो क्या था ना, वॉज डिटोरियरेटिंग. डिटोरियरेटिंग मतलब क्या था ना, डे बाय डे इट वॉज डिक्लाइनिंग मतलब खराब हो रहा था. इसलिए क्या था, इंस्पाइट ऑफ रिपीटेड टेस्ट्स गिवेन बाय द मैकेनिकल टीचर दिस सीम टू बी नो प्रोग्रेस. मतलब मैकेनिकल टीचर क्या करते थे ना, बार 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 सोचते थे क्या ना, शायद बच्चे को प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार टेस्ट लेते थे, बार बार टेस्ट लेते थे. लेकिन हर एक टेस्ट में क्या था, उनका प्रोग्रेस क्या था ना, अप टू मार्क नहीं थे. इसके वजह से क्या था ना, उनका मम्मी मैकेनिकल टीचर कंटीन इंस्पेक्टर को बुलाए थे. व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किए थे, ही मीन्स कौन, द कंटीन इंस्पेक्टर आने के क्या किए थे. द कंटीन इंस्पेक्टर टुक द मशीन मैकेनिकल टीचर एफर्ट. जो मैकेनिकल टीचर मीन्स मशीन जो था उसको खोले थे. ही स्लोड ऑफ द ज्योग्राफी सेक्शन
टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, 10 साल का जो लेवल होता है उस लेवल में क्या कहते हैं ना, स्लो ऑफ कर दिए थे। देन ही रीअसेंबल्ड द टीचर बैक अगेन, उसके बाद क्या कहते हैं टीचर को फिर रीअसेंबल कर देते, फिर उसको क्या कहते हैं जोड़ दिए थे। ना कंट्री इंस्पेक्टर आए थे, कंट्री आकर देखा था जो उनको पहले जो कंप्यूटर थे मैकेनिकल टीचर थे उनको पहले खोला, उसको देखा जो अंदर क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उन्होंने क्या देखा, जो उनका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा गियर अप हो गया था, आगे चला गया। लेके आया था ना 10 साल का, उनका उम्र 11 था, 10 साल का जो एक एवरेज सेक्शन होता है उसमें लेकर आया और फिर उसको क्या रीअसेंबल कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मार्गी क्यों खराब कर रहा था। व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, कंट्री इंस्पेक्टर उनको हेल्प करने के लिए मतलब उनका जो परफॉर्मेंस को हेल्प करने के लिए क्या किए थे। आंसर, मार्गी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द सब्जेक्ट वाज सेट एट ए हायर लेवल इन द मैकेनिकल टीचर। क्या हुआ था ना, मैकेनिकल टीचर जो था उस मैकेनिकल टीचर के अंदर क्या था, उनका जो ज्योग्राफी सेक्टर था तो हायर लेवल में सेटअप हो गया था। ही टोल्ड हर मदर दैट सी वॉज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर द ड्रॉप इन परफॉर्मेंस। उनको मम्मी को, कंटी इंस्पेक्टर मार्गी की मम्मी को क्या बोले थे, जब उनको जो पुअर परफॉर्मेंस है इन इसके लिए उस बच्ची को क्या ना दोस्त देना सही नहीं है, सही नहीं था। ही स्लोड डाउन द लेवल टू स्वीट मार्गीज एज एंड एस्योर्ड हर मदर दैट सी वॉज प्रोग्रेसिंग सेटिस्फैक्टरली। क्या किए थे इन्होंने, कंटी इंस्पेक्टर जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसको थोड़ा स्लो डाउन कर दिए थे, क्या करने के लिए ना टू स्वीट, टू एडजस्ट, स्वीट मीन्स क्या ना एडजस्ट मार्गीज एज, मार्गी का जो उम्र था एज था उसको एडजस्ट करने के लिए क्या था ना उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया था। एंड एस्योर्ड, एस्योर्ड मतलब क्या था ना, निश्चित किए थे हर मदर, उनको मदर उनकी मम्मी को मतलब मार्गी का जो मम्मी थे उनको एश्योरेंस दिए थे जो लड़की का जो प्रोग्रेस है दैट वॉज सेटिस्फैक्ट्री, मीन्स नथिंग रॉन्ग इन हर प्रोग्रेस, उनका प्रोग्रेस में कोई गलती नहीं, गलत नहीं है। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, एक दिन टॉमी का जो टीचर था मैकेनिकल टीचर मीन्स मैकेनिकल टीचर है, क्या हुआ था उनका। वंस टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्या हुआ था ना, एक बार क्या होता ना, टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्शन था वो टोटली खाली हो गया था, ब्लैंक मतलब खाली हो जाना, एम्प्टेड, इट वाज एम्प्टेड। देन क्या हुआ था ना, कंटी इंस्पेक्टर आए थे और एक महीने के लिए उसको ले गया था। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। मार्गी का रेगुलर दिन या आवर्स क्लास के लिए स्कूल के लिए था, अगर इफ सो व्हाई अगर रहता तो क्यों। यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, स्कूल के लिए उनका क्या था रेगुलर डे एंड आवर एक बंधा हुआ था। मार्गी हैड टू अटेंड हर स्कूल एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। मार्गी को क्या करना पड़ता है, सैटरडे और संडे छोड़ के हर दिन, हर मंडे टू फ्राइडे सेम टाइम में स्कूल को अटेंड करना पड़ता था। हर मदर इंसिस्टेड दैट लिटिल गर्ल लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। हर मदर, उनके मम्मी क्या इंसिस्ट करते थे ना, छोटे बच्चे जो होता है ना वो रेगुलर आवर में पढ़े, मतलब सेम टाइम रोज़ रोज एक ही टाइम में अगर पढ़ाई करे एक रूटीन में तो क्या होता है उनका प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री होता है, अच्छा होता है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी कैसे ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे एक्सप्लेन किए थे, कैसे डिस्क्राइब किए थे। टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो। टॉमी क्या बोले थे ना, सेंचुरी पहले टॉमी का वो क्या था, टॉमी का सॉरी स्कूल क्या था, स्कूल जो हाउस है वो सेंचुरीज पहले क्या था ना बिलोंग करते थे यहाँ पर। दे हैड ए मैन टू टीच देम, उन्होंने क्या था क्या कौन पढ़ाते थे, एक मैन टीचर। ऑल स्टूडेंट्स वेंट टू अ स्पेशल बिल्डिंग हुयर
all were taught the same thing according to their respective ages. क्या था ना students था क्या ना एक particular building में gather करते थे और according to their age एक man teacher उन लोगों को पढ़ाया था. मतलब जिस टाइप का टीचिंग, जिस टाइप का लर्निंग या स्टडी हम लोग आके स्कूल में करते थे, उस टाइप का स्कूल के बाद यहाँ पे टॉमी क्या है. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स. ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया. टॉमी डिस्क्राइब्ड द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स टू बी पीपल हु डिड नॉट लिव इन अ हाउस बट इन ए स्पेशल बिल्डिंग. क्या था टॉमी क्या डिस्क्राइब किया ना ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स क्या था. टू बी पीपल ह्यूमन बींग थे हु डिड नॉट लिव इन अ हाउस. किसी पर्टिकुलर घर में, किसी स्टूडेंट के घर में नहीं रहते, लेकिन एक पर्टिकुलर हाउस में उन लोग का रहा करते थे. द स्टूडेंट्स वुड गो टू दिस बिल्डिंग टू लर्न. उस बिल्डिंग में क्या करते थे ना स्टूडेंट जाते थे क्या करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए. वेयर दे वेयर टॉट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एजेस. जहाँ पे दे वेयर टॉट, दे मीन्स कौन ना स्टूडेंट लोग को पढ़ाया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एजेस. अपने जो एज था, बच्चे के जो ऐसे एज है उस एज के आधार में पढ़ाया जाता था. द टीचर गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. टीचर क्या था उन लोग को होमवर्क भी दे देते और क्वेश्चन भी पूछते थे. और टीचर टॉट मेनी स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम. टीचर क्या था ना एक ही समय में बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकते थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ईच दिस क्वेश्चन. ओनली वन क्वेश्चन आई हैव गिवन देयर दैट इज टू बी आंसर्ड इन 100 टू 150 वर्ड्स. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. क्या था ना मार्गी और टॉमी का जो स्कूल रूम था उसका व्हाट आर द मेन फीचर्स. जो स्कूल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था उनका मेन फीचर्स क्या था, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था. मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स टू टीच देम. मार्गी टॉमी क्या था ना मैकेनिकल टीचर्स थे जो उन लोगों को पढ़ा देते. द टीचर वॉज अ कंप्यूटर स्क्रीन on which lessons were flashed, shown, explained and then questions were asked. क्या था ना mechanical teacher क्या था ना screen था जहाँ पे क्या था ना lessons flashed up होते हैं, देखा lesson कभी lesson को पढ़ाया था. मतलब lesson flashed up on होते हैं कहाँ पे ना computer screen में. और उसके साथ साथ क्या था ना वो explain भी करते थे. मतलब कुछ भी एक्सप्लेन हो तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही होता था. और क्वेश्चन भी अगर कोई पूछना था वो भी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही पूछा जाता है. देयर आफ्टर टेस्ट्स वेयर गिवन. टेस्ट भी दिया जाता था. ऑल वर्क हैड टू बी सबमिटेड इन 5 कोड व्हिच वाज लर्न्ड एट एज ऑफ सिक्स बाय ऑल. मतलब क्या था ऑल हैड टू बी सबमिटेड. जो टेस्ट था या असाइनमेंट था वो कैसे जमा करना था, पंच कोड जो था वो 5 कोड में जमा किया जाता था एक पर्टिकुलर स्लॉट में. जो 5 कोड कब उन्होंने सीखे थे, जब उन लोगों का उम्र कब थे ना 6 साल का था, तब सभी लोगों को क्या कहता था वो 5 कोड के बारे में सिखाया गया था. 5 कोड सिखाया गया था. द कंप्लीटेड वर्क हैड टू बी इंसर्टेड इन अ स्लॉट दैट वॉज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन. मशीन में क्या था ना एक पर्टिकुलर स्लॉट था जहाँ पर क्या था ना हर एक काम को जमा किया जाता था. असाइनमेंट वॉज डन इमीडिएटली. असाइनमेंट क्या होता ना इमीडिएटली किया जाता था. एवरी मैकेनिकल टीचर वॉज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू एज लेवल ऑफ द चाइल्ड. जो हर एक जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या था ना एज पर द एज लेवल. जैसे जिसका एज कितना है, जितना है उस हिसाब से क्या था ना एडजस्ट किया. जैसे किसी का एज 10 है तो 10 साल का उम्र के हिसाब से उसका एडजस्टमेंट था. जिसका उम्र 15 था तो 15 साल का उम्र के आधार में उसका एडजस्टमेंट था.
The mechanical teacher lived in the house of the student. Mechanical teacher क्या था? ये computer थे, इसलिए क्या था? वो अपने घर में ही रहता था. It was programmed to flash on the screen at a certain time each day except on Saturday and Sunday. ये क्या था? एक program था. जो program क्या था ना, रोज रोज means on on study days, जो regular days होता है मंडे टू फ्राइडे, वो रोज क्या था ना पर्टिकुलर टाइम में, जो पर्टिकुलर टाइम जो प्रोग्राम किया गया था उस टाइम में क्या था ना फ्लैश अपन होता था. एक्सेप्ट कब ना सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे दोनों दिन छोड़ के. आई नेवर फेल इट, नेवर फेल फेल इट, ये कभी ये बीमार नहीं पड़ता था. वुड असाइन होमवर्क रेगुलरली, क्वेश्चन एंड टेस्ट इट विदाउट बींग प्रॉम्प्टेड टू डू सो. मतलब क्या था, ये रेगुलरली कभी तो बीमार नहीं पड़ते थे, तो रेगुलरली क्या था ना असाइन होमवर्क, जब असाइनमेंट या होमवर्क या क्वेश्चन या हर हर चीज देते थे. इन केस देयर वाज एनी मैकेनिकल फॉल्ट, ए कंटी इंस्पेक्टर वाज सेंट फॉर टू रेक्टिफाई द एरर. अगर उस मैकेनिकल टीचर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता जो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, रेक्टिफाई मीन्स क्या था ना उसको सही करने के लिए आते थे, और उसको सही करने के बाद फिर अपने घर ले जाते और कंप्यूटर को वही स्टूडेंट के घर में छोड़ के जाते. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू मस्ट राइट मी. Feel free to ask me any question. There's no problem. Thank you. Have a nice day.